हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मैं हूँ चित्रा और आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपका टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है अपने पास में सर्किट एनालिसिस या परिपथ विश्लेषण। सबसे पहले देखते हैं सर्किट एनालिसिस क्या है। सर्किट एनालिसिस का मीनिंग है कि अगर आपके पास में कोई सर्किट दिया हुआ है तो उसमें जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगी हुई हैं, जैसे रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटर है, तो ये डिवाइसेस जो हैं इनमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना वोल्टेज मेंटेन है, ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर अपने लिए एकदम न्यू सब्जेक्ट है तो पहले अपने को उसकी टर्मिनोलॉजीज जो है, जो उसकी वॉकअप है, पहले उसको समझना होगा। ठीक है, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ टर्मिनोलॉजीज से। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है आपका नेटवर्क, मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेटवर्क क्या है। देखिए, नेटवर्क जो है उसको हम हिंदी में जाल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए नेटवर्क क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई ऐसा सर्किट है जिसके अंदर आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और उसी सर्किट के अंदर आपने एक कॉइल लगा दी, या हम कहें एक इंडक्टेंस, एक प्रेरत्व लगा दिया। ठीक है, इसके साथ साथ में उसी सर्किट में आपने एक कैपेसिटेंस भी लगा दिया, है ना, उसी सर्किट में मैंने एक डायोड भी लगा दिया और उसमें मैंने एक ट्रांसफार्मर भी लगा दिया। ये मैंने एक ट्रांसफार्मर लिया और मैंने उस सर्किट में इस ट्रांसफार्मर को भी लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में ऐसा परिपथ जिसके अंदर ऊर्जा स्रोत हो और उसके साथ साथ में बहुत सारे विद्युतीय अवयव लगे हुए हों, जैसे रेजिस्टेंस है ना, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, डायोड है और ट्रांसफार्मर है, या हम कहें कि कई बहुत सारे परिपथों का समूह जो है उसको भी हम क्या कहेंगे, उसे भी हम जाल कहेंगे, उसे भी हम नेटवर्क कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स, और वी कैन से अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट विच आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड एज नेटवर्क। ठीक है, अब हम नेटवर्क का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास में यहाँ पर मैंने एक ट्रांसफार्मर लिया और इस ट्रांसफार्मर को मैंने यहाँ से मैंने एक एसी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एसी दे दी और साथ के साथ में मैंने यहाँ क्या किया, एक डायोड लगा दिया और डायोड के साथ में मैंने यहाँ पर एक इंडक्टेंस लगा देते, एक कॉइल लगा देते और इसके साथ साथ में एक रेजिस्टेंस लगा देते। ठीक है, ये एक कॉइल लगा दी और एक रेजिस्टेंस लगा दिया। तो ये जो सर्किट है आपके पास में क्या है, एक टाइप का नेटवर्क है। ठीक है, तो नेटवर्क की डेफिनेशन क्या बनी, नेटवर्क क्या है अपने पास में, मैं यहाँ लिख देती हूँ नेटवर्क की डेफिनेशन, कि जाल क्या है जिसमें क्या हो, ऊर्जा स्रोत तथा विद्युतीय अवयव जैसे आपके पास में कौन सा है, प्रतिरोध, प्रेरत्व, संधारित्र, डायोड और ट्रांसफार्मर इत्यादि, है ना। तो जैसे प्रतिरोध, प्रेरत्व, संधारित्र, डायोड इत्यादि, है ना, ऊर्जा स्रोत तथा विद्युतीय अवयव जैसे प्रतिरोध, प्रेरत्व, संधारित्र, डायोड इत्यादि से बने तथा परस्पर संबद्ध परिपथों के समूह को जाल कहते हैं। ठीक है,
एक बार मैं वापस से एक बार हम लोग वापस से देख लेते हैं। देखिए नेटवर्क क्या है, नेटवर्क वो सर्किट है या सर्किट का कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर आपके पास में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, डायोड, ट्रांजिस्टर इत्यादि लगे हुए हों। ठीक है, तो यहाँ पर जाल की डेफिनेशन क्या बनेगी, ऊर्जा स्रोत तथा विद्युतीय अवयव जैसे प्रतिरोध, प्रेरित्व, संधारित्र, डायोड इत्यादि से बने तथा परस्पर संबद्ध परिपथों के समूह को जाल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो नेटवर्क है आपके पास में, ये नेटवर्क जो है इसके दो टाइप हैं, एक तो है आपके पास में एक्टिव नेटवर्क और दूसरा है पैसिव नेटवर्क। ठीक है, तो अब हम उसको देख लेते हैं, मैं इसे रफ कर देती हूँ। देखिए नेटवर्क जो है, नेटवर्क के दो टाइप्स हैं, पहला तो है अपने पास में एक्टिव नेटवर्क जिसको हम कहते हैं सक्रिय जाल। मैंने यहाँ लिखा कौन सा है नेटवर्क का फर्स्ट टाइप, एक्टिव नेटवर्क जिसको हम क्या कहते हैं सक्रिय जाल। ठीक है, दूसरा टाइप है अपने पास में पैसिव नेटवर्क, और इसको हम कहते हैं हिंदी में निष्क्रिय जाल, निष्क्रिय जाल। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। देखिए एक्टिव नेटवर्क वो होता है जिसमें ऊर्जा स्रोत उपस्थित हो, मतलब ऐसा परिपथ जिसमें ऊर्जा स्रोत या जनित्र लगा हुआ हो, उपस्थित हो, उसे हम कहते हैं सक्रिय जाल। मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिसमें वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं एक्टिव नेटवर्क, और जिसमें वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट नहीं हो, जिसमें ऊर्जा स्रोत प्रेजेंट नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे पैसिव नेटवर्क या निष्क्रिय नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क का एग्जांपल क्या है, जैसे आपके पास में ये है, देखिए ये जो सर्किट है, इस सर्किट में क्या किया हुआ है हमने, यहाँ हमने एक वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है, ये हमने एसी लगाया हुआ है, तो ये हमने वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है, ये अपने पास में क्या है एक्टिव नेटवर्क है। या अगर मैं सपोज किया, मैंने एक सर्किट डायग्राम ऐसे बना दिया, एक मैंने यहाँ रेजिस्टेंस ले लिया, उसके साथ में एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ ले लेती हूँ, ठीक है, और इसके साथ में एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ ले लेती हूँ। और यहाँ मैंने एक बैटरी लगा दी, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये वी वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, ये एक टाइप का एक्टिव नेटवर्क है, क्योंकि इसमें अपने हमने क्या दिया है, एक डीसी पावर सप्लाई दे दिया, एक वोल्टेज सोर्स हमने यहाँ लगा दिया है। तो इसका मतलब एक्टिव नेटवर्क कौन सा है, जिसमें ऊर्जा स्रोत उपस्थित हो, उसे हम एक्टिव नेटवर्क कहते हैं। अब बात आती है पैसिव नेटवर्क की, जिसमें ऊर्जा स्रोत उपस्थित ना हो। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्टडी की होगी, है ना। कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होती है, जैसे मैंने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स मैंने यहाँ लगा दिया और इसके पैरेलल में मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया, मतलब इसके समांतर क्रम में एक कैपेसिटर लगा दिया, और इसके साथ साथ में मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया। हम सब जानते हैं कैपेसिटर जो है वो किसके थ्रू डिस्चार्ज होता है, एक रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होता है, है ना। और डिस्चार्जिंग के टाइम कैपेसिटर किसकी तरह से बिहेव करता है, एक शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करता है। तो यहाँ पर अपने पास में, यहाँ मैंने क्या किया, एक टर्मिनल यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया और एक यहाँ दे दिया। अब फर्स्ट कंडीशन, जब कैपेसिटर चार्ज होगा, जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इस कॉइल को यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, मतलब ये कि यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी तो कैपेसिटर चार्ज जाएगा। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी यहाँ से कनेक्शन को हटा देंगे, और अब मैंने कनेक्शन कहाँ कर दिया, कैपेसिटर का यहाँ कर दिया। तो अब कैपेसिटर जो है किसके थ्रू डिस्चार्ज होगा, रेजिस्टेंस आर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो ये वाला पार्टीशन आप लोग जानते हैं कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है ना। तो इस वाले पार्टीशन के अंदर आपके पास कोई वोल्टेज सोर्स है क्या, नहीं है, है ना। इसी के बेसिस पे हम समझ सकते हैं किसको, एक पैसिव नेटवर्क को। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो अभी आपके कोर्स में आगे है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा वो पूरा, मतलब हम उसको एक एग्जांपल में ले सकते हैं, पर मैं अभी उसके डिटेल में नहीं जाऊँगी, ठीक है। जैसे ये आपके पास में है पैसिव लो पास फिल्टर। कैसे बनता है पैसिव लो पास फिल्टर, अगर मैंने एक रेजिस्टेंस लिया
और इस रेजिस्टेंस के साथ में मैंने यहाँ एक कैपेसिटर सी लगा दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको इनपुट दे दिया और यहाँ से मैंने इसका आउटपुट ले लिया। तो ये जो मेरे पास में बना है, ये बना है पैसिव लो पास फिल्टर, ठीक है। एक बार हम वापस से देख लेते हैं। देखिए, नेटवर्क जो है उसके दो टाइप्स हैं, एक्टिव नेटवर्क तथा पैसिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क को हम कहते हैं सक्रिय जाल और पैसिव नेटवर्क को कहते हैं हम निष्क्रिय जाल। एक्टिव नेटवर्क वो नेटवर्क है जिसमें ऊर्जा स्रोत उपस्थित होता है तथा पैसिव नेटवर्क वो नेटवर्क है जिसमें ऊर्जा स्रोत उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। यहाँ हमने दोनों टाइप के सर्किट आगे देख लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, वो भी नेटवर्क के दो टाइप्स ही हैं, ठीक है। दो नहीं, मतलब तीन टाइप्स हैं। मतलब नेटवर्क अपने पास में दो अलग अलग बेसिस पे टाइप्स के अकॉर्डिंग है। मतलब नेटवर्क जो है, यहाँ तो अपने पास में ऊर्जा स्रोत की उपस्थिति के आधार पर दो टाइप हो गए, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। और टर्मिनल के आधार पर कि उसमें कितने टर्मिनल हैं, इसके आधार पर जो नेटवर्क है वो तीन टाइप का होता है। तीन टाइप का कैसे? फोर टर्मिनल नेटवर्क, थ्री टर्मिनल नेटवर्क और टू टर्मिनल नेटवर्क, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेटवर्क के आधार पे जो तीन टाइप के टर्मिनल हैं, तीन टाइप के नेटवर्क हैं, उनको हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रही हूँ, नेटवर्क जो है तीन टाइप के हैं, फोर टर्मिनल, थ्री टर्मिनल और टू टर्मिनल नेटवर्क। तो आपके पास में फोर टर्मिनल नेटवर्क जो है, फोर टर्मिनल, फोर टर्मिनल नेटवर्क, इसको हिंदी में हम बोलते हैं चतुष्ट टर्मिनल जाल, ठीक है। फोर टर्मिनल नेटवर्क कैसा होता है, मैं आपको एक बार इसका सिंबॉलिक डायग्राम बना के बता देती हूँ। जैसे सपोज किया अपने पास में एक सर्किट है, मतलब एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर कुछ भी लगा हुआ हो सकता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस, और साथ में ट्रांसफॉर्मर, डायोड, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, मतलब पूरा एक नेटवर्क है। उस नेटवर्क में अगर मेरे पास में यहाँ पर दो इनपुट हों, यहाँ दो इनपुट हों, एक इनपुट वन और एक इनपुट टू, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास दो आउटपुट हों, ठीक है। एक ऐसा जाल या एक ऐसा नेटवर्क जिसमें दो निवेशी तथा दो निर्गत टर्मिनल हों, उसे हम चतुष्ट टर्मिनल जाल कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर दो इनपुट और दो आउटपुट टर्मिनल हों, उसको हम फोर टर्मिनल नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक डायग्राम के थ्रू और इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, चार डायोड ले लिए। एक डायोड मैंने यहाँ लगा दिया, दूसरा डायोड मैंने यहाँ लगा दिया, फिर एक डायोड मैंने यहाँ लगा दिया और एक डायोड हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा देती हूँ, ये अपने मतलब की चीज़ नहीं थी, है ना। तो यहाँ पर अपने पास में ये जो फोर डायोड्स है, इन फोर डायोड के चार टर्मिनल मिलेंगे हमको। एक टर्मिनल यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ अपने पास में ये वाले जो दो टर्मिनल हैं, इनको मैंने दे दिया इनपुट पे और मैंने यहाँ पर एक इनपुट लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, एक इनपुट लगा दिया। और ये दोनों जो टर्मिनल हैं, इनको मैंने आउटपुट में दे दिया। एक टर्मिनल ये हो गया और एक टर्मिनल ये हो गया, ये इनपुट का वन और टू टर्मिनल और ये आउटपुट का वन और टू टर्मिनल, ठीक है।
तो फोर टर्मिनल नेटवर्क जो है, देखिए इसकी डेफिनेशन भी लिख देती हूँ मैं एक बार, कि फोर टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है। ऐसा जाल जिसमें दो निवेशी तथा दो निर्गत ऐसा जाल जिसमें दो निवेशी तथा दो निर्गत टर्मिनल हो, है ना। दो निवेशी और दो निर्गत, निवेशी मतलब होता है इनपुट और निर्गत मीन्स होता है आउटपुट, ठीक है। एक बार हम डेफिनेशन को वापस से देख लेते हैं। देखिए फोर टर्मिनल नेटवर्क जो होते हैं उनमें क्या होता है, दो इनपुट होते हैं और दो आउटपुट होते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं निवेशी और निर्गत युग्म में होते हैं। युग्म मतलब पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टाइप। फोर टर्मिनल नेटवर्क हमारे पास में ये कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टाइप, थ्री टर्मिनल नेटवर्क। थ्री टर्मिनल नेटवर्क लेते हैं, नेम से ही मालूम पड़ रहा है आपको कि इसमें तीन टर्मिनल्स होंगे, ठीक है। तो एक बार हम उसका भी सिंबॉलिक डायग्राम बना लेते हैं। मैं हेडिंग डाल देती हूँ, थ्री टर्मिनल नेटवर्क, ठीक है। इसको थ्री टर्मिनल जाल कहते हैं, है ना, थ्री टर्मिनल जाल। तो यहाँ पर अपने पास में थ्री टर्मिनल नेटवर्क जो है उसका सिंबॉलिक डायग्राम बना देती हूँ मैं पहले, जैसे अगर अपने पास में यहाँ बना देती हूँ। देखिए यहाँ अपने पास में क्या है, पहले की तरह ही एक नेटवर्क है, है ना। इस नेटवर्क के अंदर कुछ भी हो सकता है आपके पास में, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। हम एक सिंबॉलिक डायग्राम बना रहे हैं, ठीक। यहाँ से हमने क्या किया, एक इनपुट दे दिया इनपुट वन, और यहाँ से हमने दे दिया एक इनपुट टू। ये जो बॉक्सेस बना रही हूँ ये मैं इसके इम्पीडेंस बना रही हूँ, अभी तो आपके कोई मेन की नहीं है ये, आगे हम जब सर्किट्स करेंगे तो मैं आपको इसको अच्छे से क्लियर कर दूँगी, ठीक है। और ये हमने क्या किया, एक इनपुट दिया और एक आउटपुट दिया, और इनपुट आउटपुट जो था उसका एक टर्मिनल हमने क्या किया, कॉमन कर दिया। एक टर्मिनल हमने कॉमन कर दिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला टर्मिनल हमने कॉमन कर दिया है। तो ये अपने पास में कैसा हो गया, थ्री टर्मिनल हो गया। एक टर्मिनल तो इसका ये हो गया वन, एक टर्मिनल ये हो गया टू, और तीसरा टर्मिनल जो है वो ये है थ्री वाला। लेकिन ये क्या है, ये इनपुट में भी कॉमन है और आउटपुट में भी कॉमन है, ये दोनों में कॉमन रहेगा, है ना। इनपुट में भी कॉमन है, इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो थ्री टर्मिनल नेटवर्क कैसा होता है, एक ऐसा जाल जिसमें क्या हो, एक निवेशी और एक निर्गत हो, ठीक है, और निवेशी और निर्गत का एक उभयनिष्ठ हो, मतलब एक समान हो, एक कॉमन नेटवर्क हो, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, थ्री टर्मिनल नेटवर्क में आप क्या कहोगे, इसको हम बोलते हैं त्रि टर्मिनल जाल। देखिए क्या कहते हैं इसको, त्रि टर्मिनल जाल, है ना। तो हम इसमें कहेंगे ऐसा जाल जिसमें देखिए थ्री टर्मिनल जाल क्या है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं थ्री टर्मिनल जाल, एक ऐसा जाल जिसमें एक निवेशी एक निर्गत टर्मिनल हो और साथ में एक निवेशी और निर्गत का उभयनिष्ठ हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो थ्री टर्मिनल नेटवर्क है, इस थ्री टर्मिनल नेटवर्क के भी फोर अलग अलग टाइप्स हैं। तो फोर अलग अलग जो टाइप्स हैं हम उनको देख लेते हैं।
कौन से फोर टाइप्स हैं? ठीक है, देखिए जो आपका थ्री टर्मिनल नेटवर्क है इसके फोर टाइप्स हैं। कौन कौन से फोर टाइप्स हैं वो देखते हैं हम। फर्स्ट है आपके पास में, फर्स्ट हम ले लेते हैं वाई को, वाई। ठीक है, सेकंड ले लेते हैं हम पाई, ले लेते हैं पाई। और थर्ड ले लेते हैं टी, और फोर्थ ले लेते हैं डेल्टा। इस टी को सुन के मुझे पीने वाली टी याद आ गई। हाँ देखिए, थ्री टर्मिनल नेटवर्क जो है उसके फोर टाइप्स हैं, वाई है, पाई है, टी है और डेल्टा है। किस टाइप से हैं वो सर्किट डायग्राम भी हम देख लेते हैं। जैसे वाई के लिए सपोज़ किया मेरे पास में तीन रेजिस्टेंस हैं और इन तीन रेजिस्टेंस को मैंने इस टाइप से यहाँ से जोड़ दिया। ये मैंने लिया रेजिस्टेंस और इसको यहाँ से जोड़ दिया, तो एक टर्मिनल मेरे पास ये हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। कितने टर्मिनल हो गए? 1 2 3। हम ए बी सी लिखने के बजाय 1 2 3 लिखते हैं। कितने टर्मिनल हुए? तीन टर्मिनल। तो इस टाइप का जो टर्मिनल है इसको हम इस टाइप का जो नेटवर्क है उसको हम बोलते हैं थ्री टर्मिनल नेटवर्क। ठीक है, अब हम लेते हैं पाई। पाई किस टाइप से बनेगा? देखो पाई के लिए हम ले लेते हैं, जैसे मैंने सपोज़ के एक मैंने रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया और इस रेजिस्टेंस से मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया और इन दोनों रेजिस्टेंस से मैंने कॉमन कर दिया। तो एक टर्मिनल मेरे पास यहाँ बना 1, दूसरा टर्मिनल यहाँ बना 2 और थर्ड टर्मिनल जो है ना वो कॉमन होगा 3 जो है वो यहाँ कॉमन होगा। तीन टर्मिनल हो गए, तो ये भी थ्री टर्मिनल नेटवर्क है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं कौन सा? टी नेटवर्क। टी नेटवर्क को कहाँ बनाए हम? टी नेटवर्क को मैं यहाँ बनाती हूँ। ये तो है वाई और ये है पाई। ठीक है, एक है वाई और दूसरा है आपके पास में वाई। अब मैं बना देती हूँ टी नेटवर्क। टी नेटवर्क जो है, टी कैसे बनता है? एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगा दिया, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया और एक रेजिस्टेंस को हमने यहाँ लगा दिया। तो इसके कितने टर्मिनल हो गए? देखो 1 2 और 3, तीन टर्मिनल हो गए। और इसकी जो शेप है, जो आकृति है, वो किस टाइप की है? टी टाइप की है। तो ये टी टर्मिनल नेटवर्क है। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसमें कौन सा? डेल्टा। डेल्टा भी बना देते हैं, नीचे बनाएं या इधर बना देते हैं, चलो ठीक है। डेल्टा टर्मिनल कैसे बनेगा? जैसे आपने एक रेजिस्टेंस यहाँ ले लिया, एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ ले लेती हूँ और एक रेजिस्टेंस हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, इसके भी तीन टर्मिनल हो जाएंगे, 1 2 और 3। इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 और इसको 3। तो ये आपके पास में हाँ देखिए, आपके पास में थ्री टर्मिनल नेटवर्क जो है वो फोर टाइप्स के हैं, वाई, पाई, डेल्टा और टी। ठीक है, चारों के डायग्राम हमने बना लिए हैं। थ्री टर्मिनल नेटवर्क में तीन हाँ देखिए, हमने फोर टर्मिनल नेटवर्क कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद हमने थ्री टर्मिनल नेटवर्क कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में द्वि टर्मिनल नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं द्वि टर्मिनल जाल। ठीक है, द्वि टर्मिनल जाल क्या होता है? जिसमें अपने पास में यहाँ पर एक टर्मिनल जो है ये हो गया, दूसरा टर्मिनल यहाँ हो गया और हमने क्या किया, यहाँ पर जो ये वाले टर्मिनल थे इनको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, लघुपतित कर दिया। हम ऐसा मान सकते हैं, सिंबॉलिक डायग्राम है ये अपने पास में। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जो आप लोगों ने द्वि टर्मिनल जाल, तो आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। जो आपका 11th 12th में आप लोगों ने जितने भी सर्किट्स किए हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन
रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो टू टर्मिनल नेटवर्क के ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में जैसे मैंने एक बैटरी ली, उससे दो रेजिस्टेंस जो है उनको कनेक्ट कर दिया, तो ये जो हम कह रहे हैं ना शॉर्ट सर्किट हो रहा है, उसका मीनिंग यहीं से है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ से हम कोई भी वोल्टेज सोर्स लगाएंगे इस टर्मिनल पर, और यहाँ से ये क्या होगा, करंट फ्लो करके इस तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कि यहाँ पर भी अपने पास में ये करंट फ्लो करके यहाँ जाएगा। तो अपने पास में ये भी क्या हुआ, ये भी दो टर्मिनल ही हुए। तो ऐसा जाल जिसमें दो सुस्पष्ट टर्मिनल हो उसको कहते हैं हम टू टर्मिनल नेटवर्क या द्वि टर्मिनल जाल। ठीक है, एक बार वापस से देख लेते हैं, ऐसा जाल जिसमें दो सुस्पष्ट टर्मिनल हो उसको बोलते हैं हम द्वि टर्मिनल जाल। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।